रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। नेपाल के काठमांडू में प्लेन क्रैश हुआ है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। टेक ऑफ करते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। प्लेन में 19 लोगों के सवार होने की खबर सामने आ रही है। रनवे से फिसलकर प्लेन में आग लगी और जिसके बाद ये हादसा हुआ है। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर ये बड़ा हादसा हुआ है। मौके पर ही राहत बचाव का कार्य भी जारी है। ये घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। काठमांडू की तस्वीरें सामने आ रही है जहां टेक ऑफ करते वक्त ये हादसा हुआ। प्लेन में 19 लोगों के सवार होने की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि प्लेन टेक ऑफ कर रहा था और इसी दौरान रनवे में फिसलने से प्लेन में आग लगी और देखते ही देखते ये बड़ा हादसा हो गया। नेपाली मीडिया के मुताबिक अब तक 5 शव बरामद हो चुके हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं काठमांडू की। तो आपको बता दें कि इस प्लेन में लगभग 19 लोगों के सवार होने की खबर सामने आ रही है। रनवे से फिसलकर प्लेन में आग लगी और काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। मौके पर राहत बचाव कार्य भी जारी है, लेकिन नेपाली मीडिया के मुताबिक अब तक 5 शव बरामद हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, ये दर्दनाक हादसा नेपाल के काठमांडू में हुआ है जहां रनवे में टेक ऑफ करते समय प्लेन फिसला और उसके बाद प्लेन में आग लग गई। इस प्लेन में लगभग 19 लोगों के सवार होने की जानकारी सामने आ रही है। हालांकि मौके पर राहत बचाव कार्य भी जारी है, लेकिन अभी तक नेपाली मीडिया के मुताबिक 5 शव बरामद हो चुके हैं। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां ये बड़ा हादसा हुआ है। रनवे से फिसलकर प्लेन में आग लगी और देखते ही देखते ये बड़ा हादसा हो गया। मौके पर राहत बचाव का कार्य जारी है। हजारों की संख्या में वहां पर लोग भी मौजूद। और साथ ही आपको बता दें कि काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर ये हादसा उस वक्त हुआ जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था और इसी दौरान प्लेन के रनवे में फिसलने के दौरान ये आग लगी और ये बड़ा हादसा हुआ। नेपाली मीडिया के मुताबिक अब तक 5 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। हालांकि राहत बचाव कार्य अभी भी लगातार जारी है। काठमांडू के नेपाल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। प्लेन क्रैश होने से ये बड़ा हादसा हुआ और टेक ऑफ के समय ये घटना हुई है। दरअसल इस प्लेन में लगभग 19 लोगों के सवार होने की जानकारी भी सामने आ रही है। हालांकि रनवे में फिसलने की वजह से प्लेन में आग लगी और इतना बड़ा हादसा हुआ। फिलहाल मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। नेपाली मीडिया के मुताबिक 5 शव बरामद हो चुके हैं। और ये तस्वीरें भी काठमांडू से सामने आ रही है। त्रिभुवन एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्लेन है वो आग की चपेट में आ गया। और फिलहाल वहां पर लगातार जो राहत बचाव कार्य है वो भी जारी है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक 5 लोगों के शव अब तक बरामद हुए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी और ये घटनास्थल की तस्वीरें भी नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन एयरपोर्ट पर ये बड़ा हादसा हुआ है। तो आपको बता दें कि ये प्लेन टेक ऑफ कर रहा था और इसी दौरान रनवे में फिसलकर प्लेन में आग लग गई जिसके बाद ये हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक इस प्लेन में 19 लोगों के सवार होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि मौके पर राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। नेपाली मीडिया के मुताबिक अब तक 5 शव बरामद भी हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और नेपाल के काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट की ये तस्वीरें भी आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो त्रिभुवन एयरपोर्ट पर ही हादसा हुआ है।
मौके पर एम्बुलेंस मौजूद, राहत बचाव कार्य लगातार जारी है, लोगों का रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट की ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दरअसल ये प्लेन टेक ऑफ कर रहा था और इसी दौरान रनवे में फिसलने की वजह से ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि इस प्लेन में लगभग 19 लोगों के सवार होने की खबर भी सामने आ रही है। हालांकि नेपाली मीडिया के मुताबिक अब तक 5 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, लेकिन मौके पर लगातार राहत बचाव कार्य जारी है, एम्बुलेंस मौजूद है, राहत बचाव कार्य लगातार किया जा रहा है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो रनवे से फिसलकर प्लेन में ये आग लगी है। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि हादसा काफी बड़ा था। हालांकि इस प्लेन में 19 लोगों के सवार होने की खबर सामने आ रही है। अब तक नेपाली मीडिया के मुताबिक 5 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं, अभी भी राहत बचाव कार्य जारी है। प्लेन से लोगों को बाहर निकालने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। हालांकि इस प्लेन में कुल कितने लोग सवार थे और फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, कितने घायल हैं, ये रेस्क्यू पूरा होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। नेपाल के काठमांडू में ये प्लेन क्रैश हुआ है, त्रिभुवन एयरपोर्ट की तस्वीरें भी।